जिस तरीके से सड़कों को या शहरों को सैनिटाइज किया जा रहा है सैनिटाइजर से, क्या जो सैनिटाइजर सड़कों पे सैनिटाइज करने के लिए यूज होता है उसमें सच में हैंड सैनिटाइजर का यूज होता है? तो जो हैंड सैनिटाइजर सड़कों पे यूज किया जाता है उसके अंदर नमक का यूज होता है, नमक और पानी का ही मिक्सचर होता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा नमक और ज्यादा पानी होगा, वो पूरा कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब बोले तो उसमें क्या है, उसे बनाने के लिए पहले पानी लेते हैं और उसके अंदर नमक डालना ऐड करते हैं, जो टेबल सॉल्ट होता है हमारा वही, तब तक उसमें हम नमक डालते जाते हैं जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए, यानी जब नमक और हम डालें और वो नीचे बैठ जाए तो उस कंडीशन में हम वहाँ समझते हैं कि पूरा हाईली कंसंट्रेटेड हमारा सॉल्यूशन बन चुका है। तो उसी का छिड़काव किया जाता है सड़कों पे, और अगर हैंड सैनिटाइजर अगर छिड़का जाए सड़कों पे तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आधे लीटर का पैकिंग भी 200 से ऊपर का आता है उसका, तो पूरे टैंकर भर भर के अगर उसको छिड़का जाए तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। इसलिए नमक और पानी का मिक्सचर छिड़का जाता है एंड ये जो इसका कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है वो बड़े इजीली सभी बैक्टीरियाज एंड वायरस को किल कर देता है। और ये भी मानना है कि हफ्ते के अंदर एक बार इसका अगर रूटीन में अगर छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक ये वायरसेस को दूर रखता है। सो गाइस, इसे बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे पानी से भरा हुआ टब है और इसमें 10-15 लीटर पानी है और एक थैली मैंने यहाँ पे टाटा की टेबल सोल्ट की ली है, तो इसको कट करके इसमें तब तक हम मिक्स करेंगे जब तक ये घुलना इसमें बंद ना हो जाए। There ain't no stopping us. Ride without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. तो फिलहाल हमने नमक को इसके अंदर अच्छी तरीके से मिला लिया है और इतना मिक्स हो गया है, इतने से पानी के अंदर पूरा हमारा 1 किलो नमक लगा है। और ये है हमारा स्प्रेयर, इलेक्ट्रिक स्प्रेयर, इसके अंदर फिल करके आप पूरे घर के चारों तरफ इसको स्प्रे करके आएंगे। फाइनली पूरे घर की सैनिटाइजिंग कर दी है मैंने चारों तरफ से, और मेन गेट वगैरह पे भी पूरा स्प्रे कर दिया था उस लिक्विड को। एंड अगर आप यूट्यूब पे इस चीज़ को सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने भी ट्राई किया था तो वहाँ पे सिर्फ आपको हल्दी, नींबू, मिर्ची वो वाले टोटके ही मिलेंगे कि नींबू से कैसे बनाएं, हल्दी से कैसे बनाएं, वो वाले सब फेक हैं। और ये जो मैंने आपको मेथड बताया सैनिटाइजर बनाने का, अभी फिलहाल सभी सड़कों पे और सभी जगह बाहर जो छिड़का जा रहा है नमक और पानी का मिश्रण है, और इसमें बस वही ध्यान रखने वाली बात है कि कंसंट्रेट होना चाहिए पूरा, तभी असर करेगा। अगर नमक कम होगा पानी के अंदर तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। हाँ, ज़्यादा हो तो चल सकता है, लेकिन कम नमक डालेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। 5 से 10 लीटर पानी में लगभग 1 किलो नमक तो चाहिए ही चाहिए। पहले सैनिटाइजिंग वाले कर गए थे बट वो उनका क्या कह सकते हैं यार, वो नमक कम डालते हैं ज़्यादा डालते हैं, अपने अपने लेवल पर पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो घर घर के अंदर बाहर रैंप पे और जहाँ से बाहर मेन डोर है वहाँ पे सब जगह दोबारा से मैंने स्प्रे किया है। और कोई करे या ना करे बट मैं तो काफ़ी सीरियसली इस चीज़ को ले रहा हूँ एंड जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो सभी रख रहा हूँ। पर अब फिलहाल फाइनली जो लॉकडाउन की डेट है उसकी लगभग लगभग फाइनल हो चुकी है कि 15 दिन आगे और बढ़ने वाला है, तो लगभग 30 तारीख तक चलेगा, और उसके बाद की जो कंडीशंस रहती हैं आगे उस पे डिपेंड करता है कि आगे और बढ़ाया जाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल अभी तो बढ़ने वाला है। 90% से अबव चांसेस यही हैं कि लॉकडाउन अभी बढ़ रहा है, बाकी इसकी प्रॉपर जो न्यूज़ है वो आनी अभी बाकी है, अभी रूमर्स ही आ रहे हैं कि बातचीत चल रही है आपस में, सीएम वगैरह और अपने पीएम भी है वो आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं, तो
तो उसी के अकॉर्डिंग फिर किस जगह पे कितना रखना है उसी के अकॉर्डिंग फिर रखा जाएगा। हाँ, अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि 22 जिलों के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। अभी कुछ ही जिले बाकी हैं जहाँ पे अभी एक भी पेशेंट नहीं मिला है, बाकी लगभग जयपुर वगैरह में इधर सब साइड में आ चुका है। आगे ना फैले इसके लिए लॉकडाउन को बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है, तो राजस्थान में तो बढ़ने ही वाला है। 18th डे था आज हमारा, तो अच्छे से कंप्लीट हुआ। सो गाइस, इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे तक ही ना रहे और लोगों के पास भी जा सके। तो आज का वीडियो यहीं तक, कल मुलाकात होगी आपसे बिल्कुल नए इंटरेस्टिंग से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेते हुए, जय हिंद, जय भारत।